ये वाली वीडियो ऑल इन वन होने वाली है, यानी इसी एक वीडियो में हम दिन की 5 से 6 मेन अपडेट्स एक ही साथ कवर कर लेंगे। पहली अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अजय शंकर साहब को लेकर, जो कि कल यानी 10 अक्टूबर को 3 देशों के दौरे पर निकल रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिन 3 देशों की यात्रा पर डॉक्टर अजय शंकर साहब जा रहे हैं उनमें से एक देश टर्की का दुश्मन अर्मेनिया भी है, जो दो मुस्लिम देश टर्की और अजरबैजान के बीच एक क्रिश्चियन कंट्री है। रिसेंटली अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का नेक्सस सामने आया था। पाकिस्तान से गए जिहादी और टर्की से मिले ड्रोन्स के दम पर अजरबैजान ने अर्मेनिया का काफी नुकसान कर दिया था और नागानो कराबाख का एक बड़ा रीजन अर्मेनिया से हथिया लिया था। देखना ये होगा कि डॉक्टर अजय शंकर साहब की इस विजिट में क्या निकल कर आता है। क्या अर्मेनिया भारत से कोई हथियार खरीदने का इंटरेस्ट शो करता है या फिर नहीं। अर्मेनिया के साथ साथ डॉक्टर अजय शंकर साहब किर्गिस्तान और कजाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। दूसरी अपडेट आ रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन को भारत द्वारा दिए गए जवाब को लेकर। दरअसल भारतीय सरकार ने हमेशा की तरह भारत के इंटरनल मैटर असम हिंसा पर टिप्पणी करने के लिए OIC की कड़ी आलोचना की है और 57 देशों के संगठन को ये साफ कह दिया है कि ये सभी देश इस मंच का इस्तेमाल किसी भी एक देश का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ना करें। वैसे OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन का दोगलापन तो देखो, ये संगठन बनाया गया था पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी के हितों की सुरक्षा करने के लिए, ना कि बस भारत की। लेकिन पिछले कल ही अफगानिस्तान में एक शिया मस्जिद में नमाज के समय एक धमाका हुआ था जिसमें वहां पर करीब 150 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, जबकि वहां पर कई सारे लोग घायल और अपाहिज हो चुके हैं। उसके बारे में तो OIC ने एक शब्द तक नहीं बोला है। तीसरी अपडेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से संबंधित है। वैसे ये खबर सुनने के बाद आप में से कई सारे लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे, जबकि कई सारे लोग नाराज भी हो सकते हैं। दरअसल भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने $100 बिलियन क्लब को ज्वाइन कर दिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी आज दुनिया के 11वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं और उनकी नेटवर्थ है तकरीबन $100.6 बिलियन। गौर करने वाली बात है कि मुकेश अंबानी ने पिछले एक साल में $23.8 बिलियन की कमाई की है। वैसे आपको ये खबर सुनकर गर्व महसूस हुआ, हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चौथी अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है चाइना की फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से। दरअसल चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिसेंटली जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया में भारत ने 200 चाइनीज सोल्जर्स को डिटेन करके रिलीज कर दिया था उसके बारे में पूछा गया, तो उसके जवाब में चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने कहा कि वो इस घटना से रिलेटेड किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन से अवगत नहीं है, यानी चाइना ने फिलहाल इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया है। पांचवी और लास्ट अपडेट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर पहली बार आए हैं तो फिर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। लास्ट अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है टर्की से, जिसके मुताबिक टर्किश पुलिस ने 6 रशियन नेशनल्स को जासूसी करने के आरोप से अरेस्ट किया है। भारतीय न्यूज एजेंसी NI ने रिपोर्ट किया है कि ये 6 रशियन नेशनल्स टर्की में किसी तीसरे देश के नागरिकों पर हमला प्लॉट करके उनसे क्लासिफाइड डेटा चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, यानी ट्रूली जेम्स बॉन्ड मूवी स्टाइल स्टोरी। देखना ये होगा कि क्या इससे टर्की और रशिया के रिलेशंस में कोई असर पड़ता है या फिर दोनों देश ये इंसिडेंट इग्नोर कर लेंगे। खैर, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।